हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी है लच्छा चिकन करी। ये उन दोस्तों को समर्पित है जो चिकन खाने का शौक़ रखते हैं लेकिन 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 उनसे बनाते नहीं बनता है। कई दोस्तों ने मुझे बोला कि बॉस सब कुछ तो ठीक है लेकिन मसाला लास्ट में जल जाता है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है बेसिकली मसाला, उसके लिए मैं रेसिपी बताता हूँ आपको। दोस्तों 500 ग्राम फ्रेश चिकन बिल्कुल ताज़ा लिए हैं अपन ने, क्वांटिटी 500 ग्राम। उसमें एक चम्मच हल्दी, लगभग डेढ़ चम्मच धना जैसा कि आप देख रहे हैं, और पिसी हुई मिर्च स्वाद अनुसार हमने यहाँ पर एक चम्मच लिया है। एक चम्मच आधा किलो में सफिशेंट होती है दोस्तों। बच्चों और सबका ध्यान रखते हुए, कभी कभी बच्चे क्या खाते नहीं हैं इसीलिए मिर्ची ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। पौना चम्मच लगभग टीस्पून साल्ट, नमक, उसके बाद इसको वेल मैरिनेट करना है। चूँकि अपन को 15 मिनट के अंदर फुल चिकन प्रिपेयर करना है तो इसको अपन कूल स्टोरेज में नहीं रखेंगे, जैसे फ्रिज या फ्रीज़र, कोई ज़रूरत नहीं है रखने की। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, एक तरफ चिकन बॉईल होगा और एक तरफ प्रिपेयर करेंगे पूरे मसाले, जैसा कि आप देख रहे हैं लच्छा प्याज है, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऑलरेडी पीस लिया गया है, और ये गरम मसाले हैं, तेज़पत्ता है, जीरा है, यहाँ पर दालचीनी है, यहाँ पर लौंग है, गोल मिर्च है, और ये छबीला है। इन सबको अपन को इंग्रेडिएंट्स जो हैं लेके चलना है लच्छा चिकन के लिए। दो हरी मिर्च ले लो। दोस्तों वक्त आया अब चिकन को बॉईल करने का। पानी बिल्कुल कम डालना है। ऑलरेडी चिकन में थोड़ा धना, थोड़ा हल्दी, थोड़ी मिर्ची डाल लिया गया। अब देखिए कम फ्लेम में, सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको जीरो सीटी में लेना है। जीरो सीटी मींस सीटी होना ही नहीं है, 15 मिनट लगभग इसको जीरो आँच में पकाना है। एक भी सीटी अपन को करना नहीं है। पैन रखिए गैस में, 100 ग्राम वेजिटेबल ऑयल डालिए, आलमोस्ट आधा किलो के लिए बेटर है। और अब जो अपन ने प्याज वगैरह, लहसुन, अदरक, ये देखिए ये अपन ने चेक कर लिया, तेल लगभग गर्म हो गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐसे ऐड करना है, हल्का इसको फ्राई करें ऐसे, इस तरीके से हल्का फ्राई करना है चारों तरफ घुमाते हुए। हरी मिर्च दो हरी मिर्च, आप तीन या चार भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन क्या बच्चे सबको लेके चलना है, हल्का हल्का भूंजते रहिए ऐसे, इस तरीके से इस पैटर्न में भूंजिए धीरे धीरे। हमने जो लच्छा प्याज ऑलरेडी काट रखे थे उसको ऐड करेंगे। ये देखिए लच्छा प्याज है, गोल गोल काट लीजिए नॉर्मल, और इस प्याज को बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी करना है। उसके लिए हाई फ्लेम चाहिए, फुल फ्लेम, और थोड़ा सा देखिए मैंने नमक भी ऐड किया है, यदि आपने देखा होगा तो नमक भी ऐड किया है हाफ स्पून, क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन, जब चिकन को उबलने के लिए रखे थे बॉईल के लिए, तो उसमें भी नमक हमने ऐड किया था। और 15 मिनट में टोटल अपन को प्रिपरेशन करना है, चिकन को कम्प्लीटली अपन को प्रिपेयर करना है। सो बाजू में चिकन भी बॉईल हो रहा है, देखिए प्याज धीरे धीरे अपना कलर ले रही है, ब्राउन करना है, क्रिस्पी, राइट। ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे ऑनियन और पूरे इंग्रेडिएंट्स का कलर चेंज हो रहा है, देखिए धीरे 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 धीरे, वी रिक्वायर टोटली ब्राउन कलर ऑफ ऑनियन। जैसे ही ब्राउन कलर होगा हम इसको फ्लेम ऑफ करेंगे। देखिए कुटे हुए गरम मसाले जिसमें हमने आपको ऑलरेडी बताया था, दोस्तों पूरे गरम मसालों को देखिए धीमी आंच में ऐड करके भूनना है।
चूँकि हमने उनको गर्म आँच में भूंजा नहीं था, हमने कच्चा ही कूटा था, दरदरा कूटा था। चाहो तो आप स्मूथ भी कर सकते हो, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट हमने दरदरा किया है। मुंह में आता तो काफ़ी टेस्टी लगता है दोस्तों, उसका फ्लेवर जो है ना, गोल मिर्च हुई, दालचीनी हुई, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों उसका। देखिए कम्प्लीटली अभी ब्राउन कलर में आ गई है हमारे ऑनियन एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही लाजवाब दिख रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब पोजीशन आ गई है बॉयल चिकन की, क्या पोजीशन है किस स्टेज में। ये देखिए लाजवाब, जैसे पीसेस से वैसे के वैसे ही बिल्कुल दिख रहे हैं। लेग पीस देखिए कहीं से आपको टूटा हुआ नहीं दिखता है, बढ़िया जूसी चिकन बिल्कुल बॉयल हो चुका है। इसको फ्राई पैन में डालेंगे, उसके पहले थोड़ा सा रेड कलर बहुत पसंद है दोस्तों चिकन में। देखिए बिना लालपन के मज़ा नहीं आता है, चिकन खाने का आनंद नहीं है, लाल कलर कटोरी में आए तो एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। तो हमने देगी मिर्च सिर्फ एक चम्मच डाल लिया, जो कि सफिशेंट है, हाफ के जी चिकन के लिए सफिशेंट है। चिकन के पीसेस ऐड कर दिए, देखिए अपना शेप और कलर ले रहा है धीमी आँच में, ऑलरेडी चुकी है बॉयल्ड है। 15 मिनट का चैलेंज था, एक तरफ मसाले भूंजे, एक तरफ चिकन बॉयल किए, 15 मिनट्स ये देखिए पैन में आ गया है। और अभी थोड़ा सा हल्का सा चलाने के बाद इसको अपन ढक्कन से ढक देंगे, देखिए कलर आते जा, देखिए कलर आते जा रहा है, आते जाएगा। अब इसको अपन क्या करेंगे, ढक्कन से ढक के 3 या 4 मिनट वेट करेंगे, बिकॉज ऑफ चिकन पीसेस ऑलरेडी हैज़ बीन बॉइल्ड, राइट। ये देखिए ढक दिए हैं, ढकने के बाद थोड़ा सा वॉच करेंगे। अभी स्टीम कुछ ज़्यादा दिख रही है, क्लियरिटी नहीं आ रही दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद स्टीम, ये देखिए कितना शानदार स्टीम आउट हो गई है। अब चिकन पक रहा है 2 या 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा ऑलरेडी बॉइल्ड आउट है। बहुत शानदार लाजवाब कलरफुल चिकन आप देख सकते हैं, ढक्कन खोल लीजिए, एक बार पलटा लीजिए, देख लीजिए, थोड़ा सा इधर उधर करिए पीसेस, शानदार लुक आ रहा है देखिए, एज वेल एज यू विल गेट द टेस्ट आल्सो लुकिंग नाइस एज वेल एज टेस्ट। एंड बिफोर सर्विंग विल चेक आउट द चिकन whether it has been cooked or not, if we'll get the ensure it has been cooked then we will be prepared to serve, right। देखिए दोस्तों लाजवाब फ्लेवर, लाजवाब टेस्ट, पूरी मेहनत सफल, चैलेंज मात्र 15 मिनट का था, 15 मिनट के अंदर चिकन रेडी टू सर्व एज वेल एज रेडी टू ईट। नाउ वी विल शिफ्ट इनटू द सर्विंग बाउल, सी गुड लुकिंग चिकन। चलिए बाउल में शिफ्ट करते हैं, देखिए जीरो सीटी नहीं दिया है बॉईल करते समय, इसीलिए हम बोले जीरो सीटी, 15 मिनट का बॉयल होने का टाइम लिया था हमने, 10 से 12 मिनट में इसको बॉयल कर लिया। ये देखिए शानदार, चाहिए तो थोड़ा धनिया पत्ती डाल लीजिए, हरी धनिया, ये फुली रेडी टू ईट। वन मोर अगर फ्लेवर, इफ़ यू वांट टू चेंज योर फ्लेवर ऐड वन, देखिए एक टिकिया आप बटर डालिए जैसा कि आप देख रहे हैं, और गर्मा गर्म चिकन बटर की टिकिया के ऊपर सर्व कीजिए, आपको फ्लेवर जो मिलेगा, एक तो सामने देख रहे हैं जीरो सीटी लच्छा चिकन, और दूसरा ऑलमोस्ट बटर चिकन का फ्लेवर आपको मिलेगा,
देखिए धनिया पत्ती से गार्निश किए और दोनों बाउल रेडी हैं। आइदर यू ईट दिस वन, आइदर यू ईट दैट वन, राइट। बटर का फ्लेवर लेना है तो बटर डालिए, अदरवाइज नॉर्मल जीरो सिटी लच्छा चिकन इंजॉय कीजिए, स्पेशली इन संडे और हॉलीडे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इन्जॉय करें जीरो सिटी लच्छा चिकन। गुड बाय।